वीवो Y19 न्यू अपडेट सेटिंग। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टेकराज यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो पर मैं आपको बताऊंगा कि आपको यदि न्यू अपडेट आया हुआ है वीवो मोबाइल के अंदर पे, तो कैसे आप जाके अपडेट कर सकते हैं। ठीक है, अपडेटिंग का प्रोसेस कहाँ पर आपको करना है, कहाँ जाके आपको मिलेगा, वो दोस्तों आज के इस वीडियो पर शो करके बताने वाला हूँ। ठीक है, और दोस्तों आपको कैसे पता चलेगा कि न्यू अपडेट आया है या नहीं आया है, तो वो सब दोस्तों यहाँ वीडियो को देख लीजिए, आपको बिल्कुल आसानी से पता लग जाएगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, मेक श्योर कि आप जाके चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक जरूर कर दीजिएगा। यदि आप ऑनलाइन से पैसा कमाना चाहते हैं, उसके लिए हमने वीडियो डिस्क्रिप्शन पर लिंक दे रखा है, जाके चेकआउट कर सकते हैं। और किसी भी प्रॉब्लम के रिगार्डिंग पर आप हमें ट्विटर पर फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो दोस्तों यहाँ पर हमें क्या करना होगा, यदि अपडेट करना है तो आपको सेटिंग पर जाना है। सेटिंग पर जाके दोस्तों स्क्रॉल डाउन कर लेना है। ठीक है, स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ जो सिस्टम अपडेट आपको दिखाई देते हैं, ठीक है, तो ये दोस्तों मुझे कब पता चला, जब मैंने यहाँ पर वीवो का न्यू फ़ोन यहाँ पर बाय किया था, तो दोस्तों कम से कम 3-4 दिन के बाद जाके मुझे ये सेटिंग मिला था। ठीक है, क्योंकि दोस्तों मुझे भी मैं इसको सर्च भी नहीं किया था, लेकिन मुझे ये जो सेटिंग है दिख ही नहीं रहा था। ठीक है, तो सोच रहा था कि कहाँ से अपडेट करें। तो बस दोस्तों आपको अपडेट करने के लिए सिस्टम अपडेट पर जाना है, और उसके बाद दोस्तों आपको पता कैसे चलेगा यहाँ पर, थोड़ा सा वेट करना है। ठीक है, वो खुद डिटेक्ट करेगा अपडेट आया है या नहीं आया, वो खुद डिटेक्ट करेगा। तो उसके बाद दोस्तों यहाँ आप देख सकते हैं डाउनलोड एंड इंस्टॉल बटन। तो आपको क्या करना है, यदि यहाँ पर डाउनलोड एंड इंस्टॉल बटन दिखाई देता है, तो बस इसमें आपको क्लिक कर देना है, वेटिंग टू बी डाउनलोड, यू आर करंटली यूजिंग डेटा नेटवर्क, तो आपको दोस्तों कंटिन्यू कर देना है। तो फिलहाल तो दोस्तों यहाँ पर अभी के लिए मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ। ठीक है, तो अपडेट में क्या क्या यहाँ पर आपको मिलने वाला है, सिस्टम, नेटवर्क, कैमरा और डार्क मोड, ठीक है, तो वह सब दोस्तों आपका अपग्रेड होने वाला है। तो ये सब दोस्तों आपको फ्यूचर्स मिल जाएगा। तो यहाँ पर जाके आप दोस्तों अपने वीवो मोबाइल को अपडेट कर सकते हैं सॉफ्टवेयर। ठीक है, अपना सॉफ्टवेयर अपडेट कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।